घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। क्या KGF चैप्टर 2 की सफलता के बाद पुष्पा 2 की स्क्रिप्ट में हुए चेंजेस? आखिरकार मेकर्स ने इस बारे में क्या कहा? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज़, मैं सोनिका जैन। दोस्तों, आजकल साउथ की फिल्मों का ज़माना है और साउथ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही हैं। अब पुष्पा द राइज का दर्शकों को खूब प्यार मिला, तो इंतज़ार है पुष्पा के अगले पार्ट का। फिल्म ने कमाई के कई रिकॉर्ड्स तोड़े और अब फैंस उसके दूसरे पार्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जिस पर काम चल रहा है। वहीं खबरें आ रही हैं कि KGF चैप्टर 2 की सक्सेस को देखकर अब पुष्पा के मेकर्स थोड़ा सा घबरा गए हैं और उन्होंने सोचा है कि थोड़ा सा वज़न बढ़ाया जाए, स्क्रिप्ट में चेंजेस लाए जाए, जिस वजह से शूटिंग भी रुक गई है। और इस पर अब पुष्पा के मेकर्स ने भी अपना रिएक्शन दे डाला है। पुष्पा के मेकर Y रविशंकर ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी खबरें गलत है। हमने ऑलरेडी स्क्रिप्ट तैयार कर दी है, कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट है हाई वोल्टेज और हमें इसके बदलने की क्या ज़रूरत है। इसके आगे उन्होंने कहा, सुकुमार ने पहले ही जो स्क्रिप्ट तैयार की है, हम उसे बहुत खूबसूरत तरीके से पेश कर रहे हैं। काफ़ी समय से लोकेशन तलाश की जा रही है, पहले जिस जंगल में हमने शूटिंग की थी, हम अभी भी वही शूटिंग कर रहे हैं। आपको बता दें, KGF चैप्टर 2 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई। फिल्म में यश के अलावा संजय दत्त और रवीना टंडन थे। आपको बता दें, अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा द राइज बीते साल 16 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज़ हुई। इस फिल्म ने दुनिया भर में 350 करोड़ की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ डाला। अब मेकर्स इस फिल्म के दूसरे पार्ट का इंतज़ार कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि इसको जल्द से जल्द लाने की तैयारी है। ऐसे में फिल्म में तेज़ी से काम चल रहा है। फिल्म के गाने बहुत ज़्यादा सुपर हिट हुए, फिर चाहे वो श्रीवल्ली हो, बलम सामे हो या ऊँ अटवा हो, लोग अब तक इन गानों में थिरकते हुए नज़र आ रहे हैं और कहानी को लोगों ने खूब प्यार दिया है। तो दोस्तों, कितना इंतज़ार है आपको पुष्पा 2 का, नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।